लेकिन ठेकेदार ते तां इन्हां दे ओवरचार्जिंग दा ही परचा दर्ज होया होया। ओह कहिंदा मैं अपनी वाइफ दे नाम ते लै लिया ठेका, वाइफ दे नाम ते लै लिया ठेकेदार तां उही चलांदा, वाइफ तां कदी देखी नहीं आपां। भी जिहड़ी सरकार है इह किवें दे दिंदी इन्हां नूं ठेके। इन्हां ने एक कोलम रखिया 6 नंबर कोलम, उहदे विच इह लिखिया कि ठेकेदार दे उत्ते कोई परचा नहीं होना चाहिए, जेल नहीं कट्टी होनी चाहिए। लुधियाने का सिविल हस्पताल अक्सर चर्चाओं में रहता है। हुण लुधियाने के सिविल हस्पताल की पार्किंग लैके लोगों ने वड्डे वड्डे इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूटर पार्किंग अते मोटरसाइकिल पार्किंग 5 रुपए है, जबकि पार्किंग वाले 20 रुपए वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला ही लोग मुसीबत के मारे हुए ने, पर उन्हों तो ज़्यादा वसूली की जाती है। उत्थे जदों इस बाबत सीनियर मेडिकल अफसर नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए, जेकर लोग कंप्लेट करेंगे तो जरूर कार्रवाई भी की जाएगी। जोड़ा रेट है सरकारी 5 रुपये है मोटरसाइकिल का, तो जो कार है वह 20 रुपये रेट है, लेकिन जोड़ा इतने 20 रुपये ले जाते। पिछे पार्कर साहब ने एक समाज सेवी होया पिछे गुरमेल जी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया सगा तो भुख हड़ताल से बैठे से, वो करके फिर पार्क साहब ने परचे भी दर्ज कराए से इन्हें ओवर चार्जिंग से। लेकिन फिर भी किसने कि तरीके जो मालिक आ बच जाता वा अपनी अप्रोच करके, पिछे जोड़ा मालिक आ ये पिछे मतलब होर भी केसा च बड़े केसा च अंदर रह के आया वा। ठीक है, मैंने एक गल नहीं समझ आती भी जी सरकार है ये किमें दे दी इन्हों ठेके च। इन्हें एक तो इन्होंने एक कोलम रखे थी 6 नंबर कोलम टेंडर के टेंडर से द्वारा, जिसे तो इन्हें इन्होंने एक कोलम रखिया 6 नंबर कोलम, ये लिखिया कि ठेकेदार के उत्ते कोई परचा नहीं होना चाहिए, जेल नहीं कट्टी होनी चाहिए, कोई वो ओ बकाया नहीं खड़ा होना चाहिए, जो कुछ इदा दे सारे 6 नंबर कोलम के लिखा सी। लेकिन ठेकेदार से तो इन्हे ओवर चार्जिंग का ही परचा दर्ज होया होया। वह कहिंदा मैं अपनी वाइफ के नाम से लै लिया ठेका, वाइफ के नाम से लै लिया ठेकेदार तो उही चलांदा, वाइफ तो कभी देखी नहीं आपां। हुण भी जाके देखो गरीब जनता नूं लुटिया जा रहा, सैकल फ्री आ, सैकल दे 10 रुपये लिया जा रहे, हर गेड़े 10 रुपये ले जा रहे, ओवर वसूली 5 रुपये की थान से 20 रुपये ले जा रहे। भाई साहब कोई नहीं मुद्दा उठाता, यदा अफसर आराम नाल नींद जागते ही नहीं गए, दोबारा ठेका दे देंगे। जस्टिस नहीं है, 10 रुपये होना चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल भी 10 रुपये प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट पे 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ये 20 रुपीज़ नहीं है। क्या करें, हमें अपना मेडिकल करवाना था, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, बाहर नो पार्किंग का साइन है और बाइक की सेफ्टी के लिए देने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। बोर्ड नहीं लगा, ये थर्ड पार्टीज हैं, ये जो चार्ज करते हैं वो देना पड़ता है, क्या करे बंदा। सर 5 रुपये बाइक, ठीक है जी, 20 रुपये कार दे जी, 5 रुपये पर ट्रिप बाइक दे ला रहे हैं। हाँ जी, जिन्हें ये 24 घंटे का पास बनाया उन्होंने 20 रुपये जी, सैकल फ्री है। सर ये बैनर है, एक वीडियो आ सरदार जी पाड़ रहे थे, उन्हों की मैं वीडियो बनाई है, ठीक है जी, आ देख सकते हैं। नहीं रेटा दा नहीं जी, ये कहते कि मैं फ्री लाऊंगा, मैं कोई पर्ची दे पैसे नहीं दूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा जी। पता की कई लोग जड़े पुराने ठेकेदार से कई जैलसी फील करते साढ़े तो, ठीक है जी, कई हुण स्टैंड दे टेंडर से जी, कई आर्गूमेंट कर रहे थे कि हाँ असी लवेंगे, इन्हों लैन नहीं देवे। देखो जी, मैं असं भी छोटे हाँ, वर्कर ने, कई रेंट ते रहिंदे आ, कई बेचारे गरीब ने जी, आप एवं कही है जी। सर एक्चुअली मैनू पता नहीं, मैं थोड़े दिनों तो आया वहाँ, मैं एक्चुअली ना जॉब करता इन्हों को, मैं कह दवा कि हाँ जी उन्होंने को परचा उन्होंने ये है वो है, मैं भी गलत क्यों किसी बारे बोला जी। देखो बिल्कुल असं उत्थे डिस्प्ले किए हुए हैं रेट्स डिस्प्ले हैगे हैं, जिस तो भी वो ज़्यादा मंगते हैं कोई भी साइकिल स्टैंड वाले, तो उन्होंने पेशेंट की भी थोड़ी जी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, ना दो क्यों देना है असं 5 की बजाय 10 रुपये या 20 रुपये जदों उत्तर डिस्प्ले हैगे हैं। जे उन्होंने यह पता है कि साढ़े तो ओवर चार्जिंग होंगी है, कोई भी बंदा ना दे उन्होंने, प्लस जे है रिटर्न कंप्लेंट्स आदि तो मैं इनकुआरी करवा लैनी हूँ। नहीं होनी चाहिए ना, नहीं देना चाहिए ना। देखो जे आप ये कहने कि कोई बंदा करप्शन कर रहा है, पैसे लै रहा है, तो देने वाला भी तो उन्हें रिस्पोंसिबल है, क्यों देंगे हैं पेशेंट। भरत शर्मा की रिपोर्ट, द समर न्यूज़ लुधियाना। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं, सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं, इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।